हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं लिपस्टिक्स के लिप स्वैचेस करने वाली हूँ। दिस इज फ्रॉम शुगर और ये है शुगर मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक और इसके सारे के सारे शेड मेरे पास हैं। ये 10 शेड्स में आती है और ये जो लिपस्टिक है ये 30 सेकेंड में ही मैट में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है। सो इसके सारे शेड आप यहाँ पर देख सकते हो एंड एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बातें बताने वाली हूँ एंड अप्लाई करके भी दिखाऊंगी सारे शेड्स को और कौन से शेड मुझ पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये भी आप देख पाएंगे। तो इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। तो ये रहे सारे के सारे शेड दोस्तों, 10 के 10, और इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है एंड ये एक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है जो कि बुलेट फॉर्म में आती है। और सबसे पहले मैं आपको लिपस्टिक की पैकेजिंग दिखा देती हूँ। ये है शुगर मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक का आउटर पैकेजिंग और ये जो बॉक्स है ये मेरे पास शुगर की तरफ से आया है। और दोस्तों इसके अंदर की पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है और इसमें पूरे के पूरे 10 शेड हैं। यदि आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो शुगर की वेबसाइट पर या फिर आप शुगर के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर के उनका जो बायो लिंक होता है वहाँ पर जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं। और ये आप देख लीजिए ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ में लिपस्टिक्स हैं, बिल्कुल सिग्नेचर पैकेजिंग है शुगर की, लेकिन शेड्स बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, एवरी इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। और अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ये जो लिपस्टिक्स हैं ये ले सकती हैं। इसमें पिंक है, रेड है, ऑरेंज है और इसमें न्यूड शेड भी है एंड आप देख पा रहे हैं इसकी बुलेट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बुलेट फॉर्म में ये ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट। तो मैं आपको ये लिपस्टिक रिव्यू देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर परचेज़ करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, हाईली रिकमेंडेड। लिपस्टिक्स के विषय में मैं कुछ आपको बता देती हूँ। ये मेड इन ताइवान प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है और इसके जो इंग्रेडिएंट हैं लिपस्टिक के वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन है, ये आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट। 699 रुपीज़ इसका प्राइस है और 2 ग्राम इस लिपस्टिक की प्रोडक्ट क्वांटिटी है दोस्तों। 10 शेड्स में ये आती है। लिपस्टिक की पैकेजिंग जो है वो इस तरीके की है, ब्लैक एंड स्लीक, और ये मैट फिनिशिंग है जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और हर एक लिपस्टिक पर इस तरीके का ये एक प्लास्टिक स्टिकर लगा है जिस पर कि लिपस्टिक की पूरी डिटेल दी गई है, प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी। 3 ईयर इस लिपस्टिक की शेल्फ लाइफ है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 ये लिपस्टिक अप्लाई करके दिखा देती हूँ और ये वाटर रेसिस्टेंट लिपस्टिक है, लेकिन कोई भी लिपस्टिक हो, देखिए आपको हर रोज लिप्स को एक्सफोलिएट करना चाहिए, लिप बाम ज़रूर अप्लाई करें या फिर अगर आपके पास लिप प्राइमर है तो आप वो भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैट लिपस्टिक पसंद होती है उनको भी और जिनको नहीं होती उन्हें अप्लाई करनी है उनको भी, सभी को लिप बाम हल्का सा अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। जो मैट लिपस्टिक अगर आप अप्लाई करने जा रही हैं, जो ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हैं, तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे शेड्स अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो ये है सारी की सारी लिपस्टिक्स दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। शेड नंबर 1 आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है और ये हर एक स्किन टोन पर अच्छा लगेगा। यह है शेड नंबर 2 जो कि टैंजरिन ऑरेंज शेड है और हल्का सा इसमें रेड का टिंट भी है और ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्रिटी लगेगा ये हर एक इंडियन स्किन टोन पर। एंड बात करूँ इसको अप्लाई करने की, तो आप इसको बार बार रीअप्लाई ना करें, एक कोट ही सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप के लिप्स बहुत ड्राई हैं तो लिप बाम लगाना मत भूलिएगा। और ये रिमूव जो है वो मिसलर वाटर या फिर मेकअप रिमूवर से ही होगी।
और ये जो शेड है दिस इज वेरी प्रिटी, बट ये बहुत ही ज्यादा डार्क है, और ये एक बेरी शेड है, जैसा कि इसका नाम है द ग्रैंड बेरीज एंड बेरी शेड, मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो शेड है ये मरूनिश शेड है, और इसका नाम भी है मरून वाइब, तो ये जिनको रोजाना में मरून शेड पसंद है उनके लिए बेस्ट है। और ये कलर बहुत खूबसूरत है एंड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे पहली बार इस तरीके का जो डार्क कलर है वो अच्छा लगा है। एंड इस पे लिखा है 0510 हेलेन एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली, और ये सामने से देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये शेड अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग में इस बार मैं बोल्ड रेड पिंक के अलावा इस शेड को बहुत ज़्यादा वियर करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये फोटोग्राफ्स में बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, बहुत ही प्रिटी, इनफैक्ट ये पार्टी में भी बहुत अच्छा लगेगा। सो वर्सेटाइल शेड है ये, 05 इज मस्ट हैव, और इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता। और ये जो शेड है स्प्रिंग क्रिम्जन, ये बहुत खूबसूरत शेड है एंड ये थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड है, और बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा, और वैसे भी ये एवरी स्किन टोन पे जाएगा, बट फिर भी देख सकते हैं। और आप इस कलर को देख रही हैं ये कितना खूबसूरत है, और इसका नाम है पीच वुड मैक, एंड मैं आपको ये कलर हाईली रेकमेंड करती हूँ। अभी तक मैंने आपको दो शेड रेकमेंड किए हैं, जिनमें से एक ये है 07, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। अगर आपको न्यूड शेड पसंद है तो, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट है, जो कि मेरे मेकअप पाउच में रहेगा ट्रैवलिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप ट्रैवलिंग के दौरान ही हो पाता है जब कहीं घूमने फिरने जाते हैं। वैसे तो घर में सच में उतना मेकअप या लिप कलर अप्लाई नहीं करती, लिप बाम जरूर अप्लाई करती हूँ। ये जो शेड है ये बहुत प्रिटी पिंक कलर है एंड इसको ये उन्हें पसंद आएगा जिनको पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये बहुत ही प्रिटी न्यूडिश पीची शेड है, बट अच्छा लग रहा है, बट मुझे उतना नहीं पसंद आया जितना शेड नंबर 7 पसंद आया, बिकॉज मुझे न्यूड शेड अच्छे लगते हैं, बट ये ऐसे शेड हैं कि हर एक स्किन टोन पर अच्छे लगेंगे दोस्तों। और ये है शेड नंबर 10, जो कि बहुत खूबसूरत पीच कलर है और बहुत प्रिटी लग रहा है, और मैं जैसे कि आप शुरुआत से ही मेरे वीडियोस देखते आए हैं लिपस्टिक्स के, मैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन हूँ मैट लिपस्टिक्स की, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा ग्लॉसीनेस नहीं पसंद है अगर वो लग्जूरियस लिपस्टिक नहीं है तो। टोटली मैट में कन्वर्ट हो जाती है एंड 30 सेकेंड के बाद ये ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है, तो मैं इन लिपस्टिक्स को आपको एक एक करके अप्लाई करके दिखा चुकी हूँ, और मैंने दो शेड आपको हाईली रिकमेंड किए थे। जो शेड नंबर 7 है स्पेशली, वो ज़रूर ट्राई करिएगा, बिकॉज अगर आप न्यूड शेड लगाना पसंद करती हैं तो वो बहुत खूबसूरत शेड है आपके रोज़ाना के लिए भी और पार्टी के लिए भी। एंड बात करूँ हैवीनेस की, तो बिल्कुल हैवीनेस केकीनेस नहीं है, बिकॉज रोजाना अगर आप लिप बाम अप्लाई करती हैं तो आपको उतनी एक्सफोलिएटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी लिप्स को एक्सफोलिएट करना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फिनिश आता है। अगर आप चाहें तो लिप प्राइमर ट्राई कर सकती हैं, और
अगर आप कुछ खाएंगी पिएंगी तो फिर सेंटर से ही निकलता है ऑयलीनेस, खाने में जो ऑयल होता है उसके कारण, अदरवाइज ये ट्रांसफर नहीं होती और बहुत ही ज्यादा देर तक रहती है, या यूं कह सकती हूँ कि ये दिन भर रहती है, और आप इससे इजीली टचअप भी कर सकती हैं। सो ओवरऑल इट्स वेरी नाइस, और अगर आप ऑफिस वर्किंग वुमेन हैं तो डेफिनेटली आप इसमें से अपने लिए कोई एक कलर सेलेक्ट कर सकती हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लास्टिंग है और बुलेट लिपस्टिक के फॉर्म में ये ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही इजीली आप इसे अप्लाई कर सकती हैं। और बहुत पतला सा इसका बुलेट है, जो कि मतलब इससे आप कंट्रोल कर सकती हैं कि आपको कौन सा शेप अपने लिप्स को देना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइनर वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं लिप लाइनर वैसे भी नहीं लगाती, लेकिन अगर आप लगाती हैं तो आपको नीड नहीं पड़ेगी इस चीज की। ओवरऑल ये लिपस्टिक बेस्ट है, और अगर आप मेरी तरह मैट लिपस्टिक्स की फैन हैं और मैट लिपस्टिक्स का लुक जो है वो इस तरीके से बहुत खूबसूरत आता है, तो जरूर ट्राई करिएगा ये। और 699 इज प्रिटी गुड, मतलब बहुत ज्यादा हाई प्राइस भी नहीं है। और शुगर में अनदर लिपस्टिक्स भी आती हैं जिनके रिव्यू मैंने किए हैं और जिनके रिव्यू मैं अपलोड करूंगी, तो जरूर चेक करिएगा। और शुगर के अनदर प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर, लाइक फाउंडेशन, ब्राउ पेंसिल, बहुत सारी चीजों के रिव्यू देख सकते हैं। एंड अगर आपको वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल देखना है तो भी आप शुगर के प्रोडक्ट का मेकअप ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपने मुझे टिकटॉक या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और ये लिपस्टिक हाईली रेकमेंड करती हूँ, जरूर ट्राई करिएगा, एटलीस्ट एक जरूर ट्राई करिएगा। 07 शेड नंबर, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और किसी भी स्किन टोन के लिए, ये तो अपने पे डिपेंड होता है कि आप कौन सा कलर लगाना पसंद करती हैं। अगर आपका मन है तो आप रेड लगाइए, न्यूड लगाइए, कोई भी लिप कलर लगाइए, आप कैरी कर सकती हैं तो आप पे खूबसूरत ही लगेगा, और अपनी पसंद का लिप कलर ही लगाना चाहिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।